उमर फारूकी ने खानजादी को टोटली इग्नोर कर दिया है। खानजादी कल जो है बहुत ज्यादा भाव खा रही थी और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि खानजादी इग्नोर कर रही है मुनावर को। पर मुनावर आखिरकार कितनी देर तक ये टेंटरम झेलेगा? भाई गर्लफ्रेंड नहीं है, मम्मी नहीं है, बहन नहीं है जिसका इतना ज्यादा टेंटरम जो है वो झेल के बैठे, वो इतना भी इंपॉर्टेंट देता नहीं है। खानजादी जो है गार्डन एरिया में आई और आने के बाद जो है सामने खड़ी हो गई और वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा अंगड़ाई ले रहा था। तो अंगड़ाई लेते हुए ये बात बोल रहा था मुनावर कि मेरे लिए जो है अंगड़ाई बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो खानजादी सामने खड़ी थी तो खानजादी ने बोला कि ये मजे ले रहा है। तो मुनावर ने बोल दिया कि मैं मजे लेने के लिए यहां पर नहीं आया हूँ। खानजादी को टोटली इग्नोर कर रहा था और ये भी जवाब दे दिया कि मैं मजे लेने नहीं आया हूँ। कल रात से मुनावर फारूकी को बहुत ज्यादा गुस्सा है। खानजादी जो है मनारा और मुनावर में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रही थी कि तू कैसे बोल सकता है कि मैं इनसिक्योर हूँ, मैं कोई इनसिक्योर नहीं, और उस बंदे के पीछे इनसिक्योर होंगी क्या मैं? और इसी चीज़ से जो है मुनावर कल रात को ही खानजादी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है क्योंकि खानजादी और मनारा जो है दिमाग की पूरी यूनिटी जो है तोड़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो सबके दिमाग में घुस जा रही है, नव्ज़ में घुस जा रही है, जिससे प्रॉब्लम जो है हो रही है। और जो बाकी लोग सोच रहे थे कि ये दिमाग की यूनिटी तोड़ी जाए तो दूसरे लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यूनिटी में, पर ये तीन लोग जो है जो कि नाविद, खानजादी और मनारा, ये एक्चुअली में काफी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिसके कारण जो है घर के बाहर बातें जा रही है और बाहर वाले जो है इनका फायदा उठा रहे हैं। और ये चीज जो है मुनावर नहीं चाहता कि उनके घर की बात बाहर जाए और बाहर वाले फायदा उठाए, इसलिए मुनावर भी अभी खानजादी को ज्यादा भाव नहीं दे रहा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।